हेलो वर्गो, वेलकम टू योर माहिली टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं फिर क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर वर्गो। प्रिंस ऑफ स्कल्स, Lord of Skulls, Strength, Ace of Graves, and Four of Knives. तो हमारे पास Prince of Skulls है यहाँ पर। I think आप जिसको भी ट्रस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके ट्रस्ट के लायक है। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। एंड इस पॉइंट पर बहुत समय के बाद शायद इस पर्सन ने आपको यस कहा या कमिटमेंट दी है। एंड अब आप इस कमिटमेंट को सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड ऑफ स्कल्स बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा है। बट अब जब ये आपके पास पहुंच गया है तो ये आपके पास ही आएगा। इनफैक्ट आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ यहाँ पर आपके पास ताकत है, और आपने जो कुछ भी किया है अभी तक वो सब आपको पे ऑफ करेगा। सो आपने जो ये पेशेंस रखा है, जो स्ट्रेंथ शो किया है, इसके लिए यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहा है। एस ऑफ ग्रेव्स के साथ फाइनली आपको वो चीज मिलेगी जो आप कब से मांग रहे थे, एंड आपकी विश पूरी हो रही है यहां पर। और आपका ये पेशेंस रंग लाया है। फोर ऑफ नाइट्स का कार्ड है यहां पर। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप कुछ इंजर्ड फील कर रहे हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है जो चीज हो रही है वो बहुत लेट हो रही है, एंड इस चीज को बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। या फिर कुछ और इश्यूज है, हो सकता है कि आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हो, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस पड़ रहे हो इस रिलेशनशिप को शादी में बदलने के लिए या किसी और तरीके के कमिटमेंट में बदलने के लिए। तो यहां डेफिनेटली जो कुछ भी चाहिए वो आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये करने की ताकत आपके एंजल्स दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहा है। तो जरूरी है कि आप पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करें और अपने आप को हील करें। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी यहां तक आने में बहुत थक चुके हैं, बहुत इंजर्ड है, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर दिए हैं, और इसीलिए ये खुशी आप पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे एस ऑफ ग्रेव्स की। खैर चाहे सिचुएशन जो भी है वर्गो, आपको कहा जा रहा है अपने आप को हील कीजिए, सबसे पहले वो जरूरी है। और पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट में रहिए जो आपको समझते हो। ज्यादा ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपके सपोर्टर्स हो और आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, क्योंकि आपके लिए हील करना बहुत जरूरी है। कुछ तो ऐसा है जो आपको इतना ज्यादा हर्ट कर रहा है कि आपको लग रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके लाइफ से चला गया है कुछ और इंपॉर्टेंट लेने के लिए। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। Prince of Knives,
daughter of scepters. Ace of Skulls. Five of Scepters. And Prince of Scepters. Okay. Ace of Skulls भी है हमारे पास. So, यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्स आपकी प्रेयर को सुन रहा है, आपको पेंटिकल्स दे रहा है, आपको कप्स दे रहा है. फिर किस बात से डर रहे हैं आप वर्गो या फाइव ऑफ सेक्टर्स के साथ? ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से रेडी नहीं है इस कमिटमेंट के लिए. हो सकता है इस पर्सन के साथ कमिटेड होकर आपको कुछ और खतरे नजर आ रहे हैं. मतलब कि हो सकता है कि इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपको पसंद नहीं है और आपको डर है इन लोगों से जुड़ जाने का. तो यहां पर प्रिंस ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है. ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहा है. अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं. मुझे लग रहा है आप ये बॉन्ड लेके खड़े हो गए. डॉटर ऑफ सेक्टर्स आप देख रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको ये बॉन्ड दिया है. आप अपने बर्थ को रियलाइज कर चुके हैं. आप ये जान चुके हैं कि आप ऑलरेडी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं एंड अब जरूरी है कि आप अपने बारे में सोचें. तो यहां जब आप ये बॉन्ड यूज कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो प्रिंस ऑफ सेप्टर्स को थोड़े इश्यूज हो सकते हैं. यहां पे पावर स्ट्रगल हो सकता है रिलेशनशिप में. यानी कि कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे कि अब यहां पर बैलेंस आना चाहिए. अगर बात है कमिटमेंट की, अगर बात है फ्यूचर की, तो अब जरूरी है यहां कुछ सीरियस डिस्कशन होना, कुछ सीरियस चीजों पर बात करना जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. हो सकता है कि इस पे आर्ग्यूमेंट हो या इस पे कुछ इश्यूज हो, मगर फिर भी बात करना जरूरी है क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है. तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए हैं और अब उस तरह से आपको इग्नोर नहीं कर सकते. फोर ऑफ नाइट्स के साथ आप डेफिनेटली एक नई एनर्जी महसूस करेंगे. अगर अभी तक आप टायर्ड हारा हुआ महसूस कर भी रहे थे, तो अभी कुछ ना कुछ आप जरूर फील करेंगे इस वीक में जो आपको बहुत ज्यादा पावर देगा. और ये विल पावर आपको हेल्प करेगा अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस पहचानने में. तो ये ऐसा है कि ओके, एस ऑफ ग्रेल्स है, मुझे आप पसंद है, मुझे आपका साथ चाहिए, पर ये एक तरफा नहीं हो सकता कि मैं सारी सेक्रीफाइसेस करूं और आप इस बारे में कुछ भी ना करें या आप मुझसे एक्सपेक्ट करते रहें इतने सारे सेक्रीफाइसेस. तो यहां पर कुछ ना कुछ बैलेंस होने वाला है. ओके, मेरे ख्याल से इस टाइम के लिए आपने ऑलरेडी बहुत वेट किया है और बहुत कुछ सहा भी है. और यहां प्रिंस ऑफ नाइट्स है. प्रिंस ऑफ नाइट्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज है. उन्हें लग रहा है कि आपको एस ऑफ ग्रेव्स मिल गया, वो कमिटमेंट करने के लिए तैयार है, सारी चीजें अब फाइनल होने जा रही हैं या आप एक एंड तक पहुंच रहे हैं. तो फिर उससे पहले इतने इश्यूज क्यों हो रहे हैं या फिर अब आप अचानक से अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं? प्रिंस ऑफ नाइट्स को यह समझ नहीं आ रहा कि जब वो सीरियस हो गए तो आप अपने इश्यूज के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं कि अब अगर आपको इनके साथ अपना फ्यूचर चाहिए तो आप क्या क्या चाहेंगे उनसे. ये ऐसे नहीं चल सकता कि वो आपसे सब कुछ चाहें और आप उनसे कुछ भी ना एक्सपेक्ट करें. ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. लेडी नाला, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन लव को एक्सेप्ट कीजिए. यूनिवर्स जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, यूनिवर्स आपको एस ऑफ ग्रेव्स, एस ऑफ स्कल्स दे रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए. ये सब आप ही के लिए है. पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको लेना और देना बैलेंस में है. ओके, जितना आपको मिल रहा है आपको उतना ही देना चाहिए. उससे ज्यादा देना आपका सही नहीं है. इनफैक्ट आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे चुके हैं. तो यहां पर आपको अपने बारे में पहले सोचना चाहिए.
तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।